आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो फॉर सेल्स। तो सरफेस एंड वॉल्यूम रेशियो सेल्स का ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया ऑफ सेल टू वॉल्यूम, ये जो रेशियो होता है ये स्मॉलर जब होगा, ये होगा स्मॉलर तो सेल गेट लार्जर, सेल गेट लार्जर, तो ये इनमें रिलेशनशिप होगा। अब देखिए, सेल की बात जब हम करते हैं, सरफेस एरिया ये लार्ज इनफ है, मानिए सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा इन रिलेशन टू वॉल्यूम, वॉल्यूम से ज्यादा सरफेस एरिया अगर लार्जर है तो क्या हो जाएगा कि इनमें जो डिफ्यूजन हो या एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या कोई भी चीज हो, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, रिएक्टिव मोर या मोर रिएक्टिव बोल सकते हैं विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यही वाइस वर्सा होगा अगर ये रिलेशन उल्टा होता है, एनवायरनमेंट तो ये, अगर सरफेस एरिया ये कम है और वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो यही उल्टा हो जाएगा, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ फिर एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो या डिफ्यूजन हो, ये चीजें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो सेल में रिलेशन होता है वो सेल के एक्टिविटी के लिए एंड सर्वाइवल के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।